particle moves with 4 meter per second for 1.5 second towards east. मैं इसका सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करता हूं. मैं सॉल्यूशन यहां पे बनाऊंगा. ए पार्टिकल मूव्स विद 4 मीटर पर सेकंड फॉर 1.5 सेकंड. चलिए पार्टिकल यहां से चलना शुरू किया. कितने स्पीड में गया? विद स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकंड. कितना समय के लिए गया? 1.5 सेकंड. और कुछ दूर जाने के बाद थक गया. ही टेक्स रेस्ट. कितना समय के लिए? 5 सेकंड. उसके बाद इट मूव्स टू नॉर्थ. नॉर्थ की तरफ गया. क्या स्पीड में गया? इट गोज विद 2 मीटर पर सेकंड फॉर 4 सेकंड्स. आके यहां कहीं रुक गया. स्टार्टेड फ्रॉम ए बी सी. सो 3 सेकंड की 1.5 सेकंड. 1.5 सेकंड है ये. 1.5 सेकंड है. ठीक है. तो चलिए पहले हम निकालना चाहते हैं एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड का क्या फार्मूला था? टोटल डिस्टेंस मूव्ड बाय टोटल टाइम टेकन. पहले मैं लिखना चाहूंगा टोटल टाइम. टोटल टाइम ऑफ मोशन कितना है? शुरू में गया 1.5 सेकंड, फिर गया रेस्ट लिया 5 सेकंड, फिर गया 4 सेकंड्स. मिलके हो गया 10.5 सेकंड्स. ये टोटल टाइम ऑफ मोशन. देखो टोटल टाइम ऑफ मोशन में मैं रेस्ट को भी कंसीडर कर रहा हूं. कितने समय के लिए वो रेस्ट में था? ठीक है. अब हमें देखना है कि व्हाट इज द डिस्टेंस मूव्ड. डिस्टेंस मूव्ड इज इक्वल टू ए टू बी प्लस बी टू सी. डिस्टेंस इज नथिंग बट लेंथ ऑफ द पाथ. अच्छा ए टू बी कितना है? 4 मीटर पर सेकंड स्पीड में गया था 1.5 सेकंड के लिए. तो कितना दूर गया होगा? स्पीड इनटू टाइम. बीसी क्या है? वो गया था 2 मीटर पर सेकंड में, वो भी 4 सेकंड के लिए. सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 6 प्लस 8 दैट इज 10 मीटर. अब एवरेज स्पीड तो कोई भी निकाल सकता है. एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस. टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम. हाँ वही मैं देख रहा था. तुम लोग ध्यान से देखते हो कि नहीं देखते हो? वही मैं देख रहा था. यस दैट मींस यू पीपल आर सीरियसली लुकिंग एट इट. सो इट इज 14 बाय टोटल टाइम कितना हो गया है? टोटल टाइम हो गया है 10.5. 14 बाय 10.5. 10.5 is not, yes, is 28 by 21. ठीक है. तो this much meter per second. It is 4/3 meter per second. तो average speed था 4/3 meter per second. अभी मुझे निकालना है average velocity. लेकिन उससे पहले आपके लिए एक question. क्वेश्चन ये है कि एवरेज वेलोसिटी हम निकालेंगे. जो वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी निकलेगा वो 4/3 से ज्यादा होगा कि कम होगा? पहले हमें सोचना है. क्योंकि एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन द डिस्टेंस बिकॉज पार्टिकल इज मूविंग अलोंग ए कर्व्ड पाथ. नहीं तो हम कहेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट. हम सॉल्यूशन कर रहे हैं. टोटल डिस्प्लेसमेंट is nothing but AC यहां से यहां तक. और ये मालूम हो गया है हमें कि ये 6 है 4 into 1.5. ये कितना है? 8 है. तो कितना हो जाएगा? ये 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर होल डबल 10 मीटर. यस इस लोग तो फटाफट बना रहे हैं. इट इज सो गुड सो गुड. बढ़िया है. टोटल टाइम तो वही है. टोटल टाइम ही सेम 10.5. तो आप कहोगे एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम दैट इज 10/10.5 इज कमिंग आउट टू बी 20/21 मीटर पर सेकेंड.
20/21 meter per second. You see, this is looking less than 1 meter per second, but this is more than 1 meter per second. That means total displacement was less than the total distance moved. So average velocity was less than the average speed. क्या ये क्वेश्चन सबको समझ में आया? Yes, sir. किसी को दोबारा चाहिए तो बताएंगे? नहीं हो गया? ठीक है, ठीक है, मैं आपको अभी दूसरा क्वेश्चन देता हूं करने के लिए. आप लोग अपनी पूरा ताकत लगा चुके हैं, कुछ लोग आंसर बोल भी चुके हैं. अब मुझे करना है इस क्वेश्चन का आंसर. ए पार्टिकल मूव्स विद 10 मीटर पर सेकंड फॉर 5 सेकंड अलोंग ए स्ट्रेट लाइन. पार्टिकल गया कैसे? गया ए से स्टार्ट किया. पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ए, गोज विद 10 मीटर पर सेकंड फॉर 5 सेकंड्स, मतलब बी तक गया 10 मीटर पर सेकंड में, वो भी 5 सेकंड के लिए, मतलब 50 मीटर गया होगा. देन इट रिटर्न्स विद 6 मीटर पर सेकंड, वापस आया कितना? फॉर 3 सेकंड्स, 6 मीटर पर सेकंड में 3 सेकंड चला, तो यहां पर कहीं आया होगा. कितना स्पीड में? 6 मीटर पर सेकंड फॉर 3 सेकंड्स, तो ऑब्वियसली कितना दूर आया होगा? 18 मीटर, है कि नहीं? अच्छा, हमें तो मालूम चाहिए. क्या हमें चाहिए? एवरेज स्पीड. तो पहले मैं निकाल लेता हूं टोटल टाइम ऑफ मोशन. टोटल टाइम ऑफ मोशन तो गया था 5 सेकंड के लिए, आया था 3 सेकंड के लिए, हो गया 8 सेकंड. अच्छा, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ए से बी गया, फिर बी से सी गया, दिस प्लस दिस लेंथ ऑफ द पाथ, लेंथ ऑफ द पाथ गिव्स यू द टोटल डिस्टेंस ए बी प्लस बी सी. ओके, सर AB plus BC, A से B जाने के लिए कितना दूर गया हो? 10 into 5. B से C आने के लिए कितना दूर आया? 6 into 3. It is 68 meters. तो average speed तो कोई भी निकाल सकता है. कितना है? Total distance. Total distance by total time. It is 68 by 8. It is coming out to be 34 by 4, it is 17 by 2, is 8.5 second meter per second. Now, total displacement क्या होता है? Distance from the shortest distance between starting point and ending point. Displacement हुआ AC, it is AC, which is yes, 50 minus 18. गया 15, आया 18, तो अब कितना दूर पे है? 50 minus 18, 32 meter. Now, the average velocity is equal to total displacement by total time is 32 by 8 is 4 meter per second. अब बताओ कितने लोगों का सही हुआ था? Yes, बोलो. मेरा साथ सबका सार है. किसका सही हुआ बोलो? किसका साथ नहीं, कुछ नहीं, मेरा सार ही, तेरा सार सही है. सो इट इज कमिंग आउट टू बी यस, इट वाज एज एक्सपेक्टेड. क्योंकि आप लोग इतना अच्छा कर ही रहे हो तो पक्का आप लोग कर ही लोगे. इसमें क्या दिमाग लगाने वाली चीज था? वही गड़बड़ कर दिया था. ठीक है, अब समझ में आ गया सबको. आगे बढ़े. Let me do this question now. दिया है particle is moving along a straight line with speed v1 over half distance. Solution में बनाता हूँ. Solution कुछ ऐसा. Suppose ये हो गया पूरा distance. कितना? S. ये हो गया आधा distance. कितना? S by 2. ये बाकी आधा distance. कितना? S by 2. पूरा distance S. अच्छा, जब वो particle गया यहाँ पर क्या स्पीड में जा रहा था? v1. यहां पर क्या स्पीड में जा रहा था? v2. Given that it keeps moving in same direction. A, B, C लेते हैं. Now A to B.
ए टू बी मोशन में इसका क्या कहोगे, व्हाट इज द टाइम इट हैज टेकन टू गो, इट हैज गॉन इन डिस्टेंसेस बाय 2 विथ ए स्पीड v1, सो इट इज डिस्टेंस बाय स्पीड कितना है। मान लेते हैं ये टाइम t1 है और ये टाइम t2 है, डिस्टेंस गया है s बाय 2, स्पीड था v1, सो इट इज s बाय 2 v1, फाइन। नाउ b2c टाइम कितना लगा, अगेन डिस्टेंस बाय स्पीड, क्या डिस्टेंस गया था, आधा डिस्टेंस, कितना है s बाय 2, s क्या है मालूम नहीं, दिया नहीं है s क्या है, s इज नॉट नोन, एनीवे विद स्पीड v2, सो इट इज s बाय 2 v2। नाउ हमें दो चीज पूछा गया है, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। क्वेश्चन में दिया गया है कि द पार्टिकल कीप्स मूविंग इन सेम डायरेक्शन, कोई पार्टिकल अगर यूनिडायरेक्शनल मोशन में है, डायरेक्शन हरदम सेम है, तो कुछ समय के बाद डिस्टेंस ज्यादा होगा कि डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा, दोनों सेम होगा। अगर डिस्टेंस और अगर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर हो गया तो एवरेज स्पीड जो होगा एवरेज वेलोसिटी वही होगा, यस, क्योंकि इट इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इन द सेम डायरेक्शन, सो एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी हैज टू बी सेम। पहले क्या था, वो टेढ़ा मेढ़ा रास्ते में जाता था जहां पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होता था, यस। अब हम कहेंगे तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज स्पीड एंड दैट इज इक्वल टू हाउ मच, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस तो हम लोग एश्यूम किए हैं कितना, एस, क्या टाइम में गया है यहां से यहां तक जाने के लिए, एस बाय 2v1, एस बाय 2v2। थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये लिखेंगे एस बाय, नीचे आएगा 2v1 v2, और इधर आएगा v2 इंटू एस, इधर आएगा v2 है तो आएगा इधर v1 इंटू एस। थोड़ा मारपीट करिए इनके साथ, नीचे से s गया ऊपर से s गया ये ऊपर गया, तो शायद आपको ये मैथमेटिक्स समझ में आ रहा होगा कि d is v1 plus v2। सर ये एक फॉर्मूला भी है, फॉर्मूला ऐसे निकला है, ये नॉट ए स्टैंडर्ड फॉर्मूला, लेकिन हम लोग निमित्त करके जो आंसर निकाले उसको फॉर्मूला के तौर पे बोल सकते हैं। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि इट वाज मूविंग इन सेम डायरेक्शन, सो इट इज 2v1v2 बाय v1 प्लस v2। क्या सबको समझ में आया, क्या राजवीर सिंह को भी समझ में आया, राजवीर सिंह समझ में नहीं आया, आया आया, यस ठीक। तो ठीक है, तो मैं आपको डिफरेंट क्वेश्चन देता हूं अभी, ओके। अब क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखा जाए तो आपको समझ में आ जाएगा। सपोज हम कहेंगे कि पार्टिकल वाज मूविंग फॉर टोटल टाइम ऑफ टी सेकेंड के लिए मूव किया, कुछ समय के लिए टी बाई 2 सेकेंड के लिए v1 स्पीड में गया, रेस्ट टी बाई 2 सेकेंड के लिए v2 स्पीड में गया, ठीक है, ये हो गई बात ए बी सी, ठीक है। हियर इज डायरेक्शन ऑफ मोशन डज नॉट चेंज, therefore average speed will be equal to average velocity। अब जिनका नहीं हो रहा था वो लोग ध्यान से देखें, जिनका हो गया था अच्छी बात है, and answer है v1 plus v2 by 2, शांत रहना है जिनका हो गया है, जिनका नहीं हुआ ध्यान से देखो। आधा समय के लिए गया v1 स्पीड में a से b तक, टी बाई 2 समय, पूरा समय को टी कह रहे हैं, टी इज टोटल टाइम ऐसे मान लेते चलते हैं, आधा समय मतलब टी बाई 2 गया v1 स्पीड में,
बाकी आधा समय फिर से टी बाई टू, ठीक है ना, तो कितना वी टू स्पीड। अब ये पूछा है टोटल टाइम कितना है, वो तो हम लोग अश्यूम किए। टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना गया, अरे पहले तो वी वन स्पीड में गया, वो भी टी बाई टू टाइम के लिए, वी वन इंटू टी बाई टू, यस। दूसरा वी टू टी बाई टू, सिंप्लीफाई करें तो इट इज वी वन प्लस वी टू इंटू टी बाई टू, है ना। तो एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ये कोई भी कर सकता है। इट इज वी वन प्लस वी टू इंटू टी बाय टू तो था ही, और टोटल टाइम टी था, तो एक टी दूसरा टी को खा गया, मिल गया वी वन प्लस वी टू बाय टू। क्या ये बात सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो ये थे सिंपल क्वेश्चंस। अभी थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन पे जाएं। डिफिकल्ट क्वेश्चन के पीछे थीम हमारा ये रहेगा कि जो एवरेज वेलोसिटी है, वो एक वेक्टर है और उसका डायरेक्शन क्या होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ द टोटल डिस्प्लेसमेंट, ये थीम है जिसके ऊपर अभी तक हम लोग एक भी न्यूमेरिकल नहीं किए। हम लोग एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड के ऊपर बात किए। एवरेज वेलोसिटी, फिर से रिपीट कर देता हूं, एवरेज वेलोसिटी इज ए वेक्टर एंड इट्स डायरेक्शन इज सेम एज द टोटल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम होता है वेलोसिटी, है ना, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम एज टोटल डिस्प्लेसमेंट है। अगला क्वेश्चन आपके लिए पेश कर रहा हूं, बढ़िया सा क्वेश्चन दिए हैं आपको, देखो दिमाग खास कर। Yes, that's like a brilliant answer. कितना बढ़िया तुम लोग कर रहे हो, बहुत बढ़िया। मुझे तो लग रहा है कि मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, I'm just playing with you all. और हर बार आप लोग जीत लेते हो। कोई पार्टिकल A से स्टार्ट किया, A से रास्ते में जा रहा है, तो आपको पूछा गया कि कौन सा पोजीशन पे उसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी आर इन सेम डायरेक्शन। पहले सोचते हैं B पे क्या होगा, यू नो द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू द पाथ, यहाँ पे उसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कुछ ऐसे रहेगा, नहीं, एवरेज वेलोसिटी इज इन द डायरेक्शन ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट, ऐसे रहेगा एवरेज वेलोसिटी। सिमिलरली C में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी रहेगा ऐसे, और एवरेज वेलोसिटी तो कुछ दूसरा रहेगा, एवरेज वेलोसिटी रहेगा ऐसे। सो यू सी D में करेंगे तो instantaneous velocity and average velocity both are looking in the same direction, तो correct answer हो गया। answer तो आप लोग दे दिए, D है, बहुत बढ़िया। क्या सबको समझ में आया, सबको आया? yes, समझ में। बढ़िया। question number 6, a particle moves in a circular path of circular path with constant speed v. A particle is moving in a circular path with constant स्पीड भी, आफ्टर क्वेश्चन है, व्हेन इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बिकम्स instantaneous velocity is perpendicular, difficult question है भैया, सोचना, perpendicular to the
एवरेज वेलोसिटी, फाइंड इट्स एवरेज वेलोसिटी। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखो, क्वेश्चन को मैं समझाता हूं पहले। क्या बोला है क्वेश्चन? ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड वी, वी स्पीड में जा रहा है, ठीक है, वी स्पीड में गया। अगर वी स्पीड में गया तो पूछा है कि जब जब उसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो गया एवरेज वेलोसिटी को, फाइंड इट्स एवरेज वेलोसिटी, तब उसका एवरेज वेलोसिटी क्या है। सॉल्यूशन में बनाता हूं, आप लोग ट्राई करना चाहते हो, बहुत बढ़िया है, ट्राई इट नाउ। इसका सही आंसर बताने वाला बनेगा आज का सीटीएस स्टार। सीटीएस स्टार कौन है वो सीटीएस स्टार जो आज का सही आंसर बताएगा, देखते हैं। आज की रिकॉर्डिंग में ये पीयूष के लिए ऑनर है। द पीयूष इज रिकॉर्डेड इन माय वीडियो एज पीयूष रंजन पाड़ा। आंसर दिया टू बी बाय पाई, वेरी गुड। तो ये आंसर सबका सही है जिसका आया। लेट मी वर्क इट आउट हाउ इट हैज कम। देखो पीयूष रंजन और इप्सिता नंदर दोनों ने कितने ज्यादा सोच लिए। देखो ये पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड वी। कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में जा रहा है, क्या रेडियस है वो दिया नहीं है। तो आप अगर अपनी मन से कुछ भी डाटा ले रहे हो, दैट शुड नॉट रिमेन इन द आंसर, ठीक है ना। योर आंसर शुड नॉट बी इन टर्म्स ऑफ आपके मन से लिए। कोई पार्टिकल वी स्पीड में जा रहा है, बोला व्हेन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द एवरेज वेलोसिटी। चलो पहले सोचते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट है ए, मान लो ये कोई एक पॉइंट बी है, ये कोई एक पॉइंट सी है, यहाँ पे कोई एक पॉइंट डी है, ऐसे करके ढेर सारे पॉइंट है। जब किसी एक पॉइंट में वो आके पहुंचा, सपोज यहाँ पे पहुंचा, तब उसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे था भैया? टैंजेंट टू द पाथ, है कि नहीं। और एवरेज वेलोसिटी इट वाज इन द डायरेक्शन ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट, ये था एवरेज वेलोसिटी। क्या दोनों सेम डायरेक्शन में है? नहीं है। क्या दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है? नहीं है। अब आपको सोचना है और बताना है कि कौन सा पॉइंट में पहुंचने के बाद, कौन सा पॉइंट में पहुंचने के बाद एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो जाएंगे। पॉइंट सी, यस यस यस, यहां पर पहुंचेगा तो एवरेज वेलोसिटी होगा ऐसे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा ऐसे। इतना दिख गया तो आपको बहुत कुछ दिख गया, बहुत कुछ दिख गया। इतना दिखता नहीं है लोगों को, दिखता एकदम नहीं है, बहुत कुछ दिख गया आपको, बहुत बढ़िया है, टू गुड। नाउ क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में? वी आई इज परपेंडिकुलर टू वी एवरेज आफ्टर हाफ रिवोल्यूशन, आधा रिवोल्यूशन के बाद, ठीक है, आधा रिवोल्यूशन के बाद ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे। टाइम फॉर हाफ रिवोल्यूशन इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। हाफ रिवोल्यूशन के लिए उसको कितना डिस्टेंस जाना पड़ेगा? ये अरे पूरा होता है 2 पाई, अरे ये तो आधा है, तो कितना हो गया? पाई आर बाय वी। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट इन हाफ रिवोल्यूशन, हाफ रिवोल्यूशन में डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? यहां से स्टार्ट किया, यहां पे गया, ये भी आर, तो हो गया 2 आर। तो इसी समय पे एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा? एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट हुआ 2 आर, डिस्प्लेसमेंट हुआ 2 आर, टाइम हुआ पाई आर बाय वी, तो वी गया ऊपर 2 वी बाय। इज दैट कमिंग क्लियर? यस यस यस। देखो इस क्वेश्चन को करने वाले को सबको सलाम, क्योंकि ये बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन था और आप लोग कर लिए। आई एम सो हैप्पी पीयूष रंजन इज प्लेइंग सो नाइस। आई से प्लेइंग बिकॉज यू आर एंजॉयिंग द स्टडी, सो यू आर प्लेइंग, यू आर नॉट रीडिंग नाउ। पढ़ते पढ़ते हम लोग बोर हो जाते हैं, जब मजा आने लगता है तब खींचे जाते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन फिर से आपको सीटी स्टार बनाने का दूसरा मौका देगा। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन।
तो ये इतना टेढ़ा क्वेश्चन था कि एक 6 मीटर पर सेकंड में कार जा रहा है, इधर से हीट में आ रहा है, एक कुत्ता फास्ट कार से जंप करके बाहर निकला, the dog jumps out of first car, runs to second, again runs to first, then goes to second, और कुत्ता है तो कुत्ते की दिमाग लगाएगा, भागता रहा, फिर दोनों कार के बीच में कुत्ते की मौत मारा गया। पूछा है कुत्ता कितना जोर से भाग रहा था, 12 मीटर पर सेकंड में। क्वेश्चन है व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द डॉग, और सबसे पहला आंसर आया आवान पल्ला का। आवान आवान में दो ठोए है, ये स्पेलिंग गलत है, आवान अच्छा ऐसा है आवान पल्ला, यस ये बन गया दूसरे क्वेश्चन का स्टार्ट। और ये बताया क्या आंसर 6 मीटर पर सेकंड। देखो असलियत तो ये करेक्ट है, उसके बाद बार पीयूष रंजन पंडा भी बताया बहुत बढ़िया, आई एम सो हैप्पी, वेरी गुड, तो टीम इज वेरी स्ट्रॉन्ग। अब क्वेश्चन ये है कि एवरेज वेलोसिटी निकालना है, कुछ लोग इतना बड़ा क्वेश्चन को पढ़ के डर गए होंगे, फिर कुत्ता मर गया सोच के वो फेंट हो रहे होंगे, अरे कुत्ता मर गया कितना खून निकला हुआ, इतना कुछ नहीं सोचना, सोचना ये कि कुत्ता का एवरेज वेलोसिटी क्या है। कुत्ता का एवरेज वेलोसिटी होगा कितना, इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, गया ऐसे 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 आया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो उतना ही है ना क्योंकि मर गया यहाँ पे, सपोज कुत्ता यहाँ मरता है, सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द डॉग। अच्छा बताओ कुत्ता का डिस्प्लेसमेंट कौन से कार का डिस्प्लेसमेंट की बराबर है, एक कार डिस्प्लेसमेंट की बराबर है, मतलब ए का डिस्प्लेसमेंट कुत्ते का डिस्प्लेसमेंट बराबर है। अच्छा कुत्ता ज्यादा समय के लिए दौड़ा कि कार ए ज्यादा समय के लिए चला, सब तीनों बराबर समय के लिए चले, मतलब दोनों का ए और कुत्ता दोनों का डिस्प्लेसमेंट बराबर है, दोनों का टाइम भी बराबर है, तो दोनों का एवरेज वेलोसिटी बराबर होगा, यस दोनों का एवरेज वेलोसिटी बराबर होगा, कार का जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है कुत्ता का भी उतना ही डिस्प्लेसमेंट हुआ है, क्योंकि दोनों एक ही जगह से शुरू किए थे, टकराव हुआ यहाँ पे, कुत्ता यहाँ पे मरा है ना, किलिंग स्पॉट यहाँ पर था, दोनों का डिस्प्लेसमेंट बराबर है, दोनों का टाइम ऑफ मोशन बराबर हुआ, मतलब दोनों का एवरेज वेलोसिटी बराबर है। अगर दोनों का एवरेज वेलोसिटी बराबर है तो फिर कार का जितना एवरेज वेलोसिटी है कुत्ता का उतना ही एवरेज वेलोसिटी है। कार ए का एवरेज वेलोसिटी क्या है, हम लोग पढ़े थे व्हेन ए व्हीकल इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी सेम एज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, कोई अगर कांस्टेंट वेलोसिटी में जा रहा है वी स्पीड में जा रहा है टी सेकंड के बाद कितना दूर जाएगा वीटी, उसका एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा वीटी बाय टी इज वी, व्हेन इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी इट वाज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकंड, तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ द car will be same as average velocity of the dog and that is same as 6 meter per second। इतना सारा सोच पाना कोई छोटे 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 बच्चों का काम नहीं है, जो लोग सोच रहे हैं they are too big, अंदर से काफी बड़े हो चुके हैं, काफी mature हो चुके हैं, I look forward their better future, बहुत बढ़िया, इतना सोचना कोई असम चीज नहीं है, you can ask this question to any of your seniors, they will confuse, they'll ask you for other data, distance क्या था बताओ वो बताओ ये बताओ, ऐसे करके उल्टा पुल्टा चीजें आपको मांगने लगेंगे, लेकिन कोई चीज की जरूरत नहीं है। क्या पता चल गया, the average velocity of the car will be same as average velocity of the dog, थोड़ा सा लिख लेते हैं सोल्यूशन में लिखेंगे, time of motion is सेम फॉर डॉग एंड कार ए, ठीक है। दूसरा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ डॉग इज सेम एज कार ए, देखो कार ए का डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कुछ अलग है, कार ए का डिस्टेंस यहां से यहां तक, कुत्ता का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट दोनों का बराबर है, सो एवरेज वेलोसिटी ऑफ डॉग इज सेम एज कार ए, दैट इज कार ए तो 6 मीटर पर सेकंड में जा रहा था, व्हेन समथिंग मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड तो आप कहोगे एवरेज वेलोसिटी इज सेम एज
द इंस्टेंटेनियस स्पीड. तो हो गया ये एवरेज वेलोसिटी ऑफ द डॉग विल बी सेम एज 6 मीटर पर सेकेंड. क्या सबको समझ में आया? यस सर. जोर से बोलो जय माता दी. हाँ जोर से बोलो, समझ में आया? यस सर. यस सर. जोर से बोलो, बोलने से कुछ लोग जय माता दी बोलते हैं नहीं. हाँ ठीक. अरे भैया देखो कितना आसान क्वेश्चन था. बॉल वॉज थ्रोन फ्रॉम पॉइंट ए, गोज अप, कम्स डाउन और नीचे पहुंचता है बी पे 6 सेकंड के बाद. व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस मूव्ड? सृष्टि द्विवेदी, यस, कौन बोला 30 मीटर? कौन बोला 30 मीटर? मैं अभी इधर से घुसूंगा आपकी मोबाइल पे निकलूंगा. गया 10, आया 10, 10 + 10 + 20 इज 40 मीटर टोटल डिस्टेंस, है ना? टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 40 मीटर. टोटल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना यहां से यहां पर? 20 मीटर. टोटल टाइम कितना? 6 सेकंड्स. अब एवरेज स्पीड तो कोई भी निकाल सकता है. एवरेज स्पीड इज 40/6 इज 20/3 मीटर पर सेकंड. एवरेज वेलोसिटी इज 20/6 इज 10/3 मीटर पर सेकंड. आया सबको समझ में? ये तो इजी क्वेश्चन था. आप लोग तो कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन कर लिए. ये तो इजी क्वेश्चन था. आप लोग कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन कर लिए हो. एनीवे अभी मेरा दूसरा क्लास है. आप लोग इतना ही करो. अगले क्लास हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सीलरेशन, उसके बाद पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम डायग्राम, उसके बाद ये चैप्टर खत्म. विल स्टार्ट विथ ए न्यू चैप्टर. ठीक है, आपको जो पसंद होगा मैं बहुत सारा चैप्टर रखूंगा आपके सामने, जो पसंद होगा उसको पढ़ाऊंगा. इसके बाद मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कैलोरीमेट्री, रे ऑप्टिक्स, प्रेशर, आर्किमिडीज प्रिंसिपल और हीट ट्रांसफर, वेव. तो जो आपको पसंद होगा उसको मैं पहले पढ़ाऊंगा आपको. ठीक है, पहले आप लोग इसको सब करो क्योंकि वो सारे चैप्टर एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है. देखेंगे हम लोग करेंगे इसको. लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप लोग पहले इसको जो बुकलेट दिया गया है उसका क्वेश्चन को करते रहो, बुकलेट की क्वेश्चन को करते रहो और ट्राई करते रहो और फिर देखेंगे हम लोग इसके आंसर. सो फिर मिलेंगे अगले क्लास कल. अगले क्लास मंडे है. थैंक यू सर. हाँ फिर मिलेंगे अगले क्लास. तब तक के लिए जय हिंद. बाय बाय.